Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will discuss the scientific cultivation of banana. Banana, which is second most important horticulture fruit crop of India after mango. So in today's video, we will discuss the cultivation practices of banana. But before starting the video, if you are new to my channel, then please subscribe and press the bell icon and like and share the video too. So first we discuss its other common name. तो जो बनाना होता है उसके दूसरे कॉमन नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं. हम बनाना को बोलते हैं एंटीक फ्रूट क्रॉप, एप्पल ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ विजडम, एडम्स फिग, प्लांट ऑफ वर्च्यू. और प्लांट ऑफ वर्च्यू को ही हिंदी बोलते हैं कल्पथारू. तो दीज ऑल आर अदर कॉमन नेम्स ऑफ बनाना. तो ये बनाना की कुछ कॉमन नेम्स होते हैं. इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में कि इस कॉमन नेम का जो इस आई मीन जो क्वेश्चन होता है लाइक दैट एप्पल ऑफ पैराडाइज ऑल्सो नोन एज. तो जो मेजर क्रॉप्स होते हैं मैंगो, गुआवा, बनाना, उस टाइप के ऑप्शन होंगे एंड यू हैव टू गिव और यू हैव टू मार्क द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट वी डिस्कस इट्स बोटानिकल नेम. अब जो बनाना होता है उसके दो साइंटिफिक नेम्स हमको लर्न करने हैं. वन इज मूसा बल्बिसियाना एंड अदर इज मूसा एक्यूमिनाटा. तो जो मूसा बल्बिसियाना है दिस इज अ बनाना, इट इज़ कॉल्ड बनाना. एंड मूसा एक्यूमिनाटा इज कॉल्ड प्लांटेन. नाउ वट इज़ प्लांटेन. अब जो हम बनाना कल्टिवेट होता है उसको कुछ तो हम एज अ फ्रूट की तरह खाते हैं बट कुछ वराइटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम कुकिंग पर्पज़ के लिए लेते हैं. तो जो कुकिंग पर्पज़ के लिए बनाना यूज़ करते हैं दे आर नोन एज प्लांटेन. और प्लांटेन का साइंटिफिक नेम है मूसा एक्यूमिनाटा. नेक्स्ट इज़ फैमिली. दो म्यूसा से म्यूसेसी फैमिली लर्न कर सकते हैं. क्रोमोसोम्स नंबर की बात करें तो उसके क्रोमोसोम तीन होते हैं 22, 33, 44. यानी जो बनाना होता है वो डिप्लॉयड भी होता है, ट्रिप्लॉयड भी होता है और टेट्राप्लॉयड भी होता है. बट मोस्ट कॉमनली जो हम खाते हैं एडिबल बनाना जो होता है मोस्ट कॉमनली जो खाते हैं वो सीडलेस होता है और वो जनरली कैसा होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है. दैट इज क्रोमोसोम नंबर इज 33. तो इन तीनों क्रोमोसोम नंबर से सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम जो एडिबल बनाना होता है उसका होता है 33. ठीक है, यानी वो ट्रिप्लॉयड होता है. ओरिजिन जो हुआ है बनाने का वो है साउथ ईस्ट एशिया. सेम एज मैंगो. मैंगो का भी साउथ ईस्ट एशिया ही था और बनाना भी साउथ ईस्ट एशिया है. अब इसमें भी दो स्पीशीज हमने पढ़ी हैं मूसा एक्यूमिनाटा जो बनाना जो प्लांटेन होता है ठीक है कुकिंग वाला उसका ओरिजिन हुआ है मलेशिया में. और जो म्यूसा बल्बिसियाना है बनाना उसका ओरिजिन हुआ है बर्मा रीजन में. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस. तो बनाना में जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको बोलते हैं स्पैडिक्स. यू कैन सी इजली इन दिस फिगर स्पैडिक्स. ठीक है, इस फिगर में हम देख रहे हैं जो स्पैडिक्स होता है दिस वन इज मेल बर्ड एंड दिस वन इज फीमेल पार्ट. तो जो स्पैडिक्स होता है इस तरह से अरेंजमेंट जो होता है फ्लावर का दैट इज कॉल्ड स्पैडिक्स. नेक्स्ट इज फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन. तो बनाना में जो फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन होता है वो होता है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू अप्रैल. नेक्स्ट वी डिस्कस इट्स पॉलिनेशन. पॉलिनेशन का होता है क्रॉस पॉलिनेशन. सो बनाना इज बेसिकली अ क्रॉस पॉलिनेट क्रॉप. अब ये क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है ये होता है विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के थ्रू ये पॉलिनेशन होता है और जो पॉलिनेशन बेसिकली बर्ड्स के थ्रू होता है दैट पॉलिनेशन इज नोन एज ऑर्निथोफिलस. तो ऑर्निथ वर्ड हम यूज़ करते हैं बर्ड्स के लिए और बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्निथोफिलस. हमने मैंगो डिस्कस करा था. मैंगो में जो पॉलिनेशन था अगेन मैंगो इज़ अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बट मैंगो में जो पॉलिनेशन था वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, हाउस फ्लाई के थ्रू हो रहा था, लेकिन बनाना में होता है बर्ड्स के थ्रू. नेक्स्ट वी डिस्कस दैट दिस इज़ अ फोट. अगर हम बात करें इसकी फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट की तो बनाना इज़ अ डे न्यूट्रल प्लांट. तो डे न्यूट्रल प्लांट कौन से होते हैं, द प्लांट इन विच फ्लावरिंग इज अनअफेक्टेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ लाइट. तो बेसिकली इस तरह के क्रॉप्स जो होते हैं वो डे न्यूट्रल कहलाते हैं और बनाना भी एक तरह का डे न्यूट्रल प्लांट है. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इट्स फ्रूट. तो फ्रूट तो जो होता है उसका वो होता है बेरी. फ्रूट्स यू कैन सी इन दिस फिगर. ये जो फ्रूट्स इस तरह से अरेंज होते हैं दे आर कॉल्ड बेरी. एंड फ्रूट बेरिंग जो होता है वो कैसी होती है,
जनरली जो बनाना में फ्रूट्स बियरिंग होती है वो टर्मिनल पोर्शन में होती है, ओल्ड सीजन ग्रोथ में। दिस इज सिमिलर टू मैंगो। मैंगो में भी जो बियरिंग थी वो ओल्ड सीजन ग्रोथ में हो रही थी टर्मिनल पोर्शंस पे, और बनाना में भी जो होती है वो सेम एग्जैक्टली वैसे ही होता है। अब इसका फ्रूट टाइप होता है बेरी, और जनरली जो फ्रूट होता है उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं, एडिबल पार्ट इज द स्टार्ची पैरेन्काइमा, और इसमें हम खाते हैं मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। बनाना इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट, सिमिलरली लाइक मैंगो। मैंगो भी एक तरह का क्लाइमेट्रिक फ्रूट था। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो इनकी जो राइपनिंग होती है कंप्लीट जो होती है हार्वेस्टिंग के बाद भी इनकी जो राइपनिंग प्रोसेस है वो कैरी ऑन रहता है, चलता रहता है। तो आफ्टर हार्वेस्ट इसको हम अगर ग्रीन स्टेज में भी हार्वेस्ट कर लेंगे, यानी थोड़ा अनमेच्योर स्टेज में इसको हार्वेस्ट करेंगे, तो हार्वेस्टिंग के बाद भी इसमें क्या होता है कि जो राइपनिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, दैट इज़ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। बनाना इज़ अ वेजिटेटिव पार्थनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट। तो बनाना में जो पार्थनोकार्पी होती है, मींस वी ऑल नो जो बनाना होते हैं वो सीडलेस होते हैं, और ये सीडलेसनेस नेचर जो होता है बनाना में ये होता है पार्थनोकार्पी की वजह से। और पार्थनोकार्पी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और बनाना में जो पार्थनोकार्पी होती है दैट इज वेजिटेटिव पार्थनोकार्पी। इन वेजिटेटिव पार्थनोकार्पी देयर इज नो पॉलिनेशन, एंड देयर इज नो पॉलिनेशन सो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो सीड सेट नहीं होता, दैट इज वाई इसमें जो होता है सीड्स नहीं प्रेजेंट होते वेजिटेटिव पार्थनोकार्पी की वजह से। मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड वराइटीज और कल्टीवर्स ऑफ बनाना आर ट्रिप्लॉयड इन नेचर। तो अभी हमने डिस्कस करता है ट्रिप्लॉयड माने क्या होता है, कि इसका क्रोमोसोम कितना होगा, 33। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एरोमा इन बनाना। तो बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस में बनाना प्रेजेंट होता है, लाइक इस फिगर में देख सकते हैं ग्रीन कलर के जो बनाना होते हैं दैट इज अंडर राइप, यानी वो फुली मैच्योर नहीं है। देन येलो कलर बनाना इज कॉल्ड राइप, राइप बनाना पक जाता है। उसके बाद जब येलो के बाद भी जब एक्स्ट्रा टाइम तक हम बनाना को रखते हैं तो ओवर राइपनिंग हो जाती है। ओवर राइपनिंग में क्या होता है कि बनाना के जो ऊपर रेड स्किन होती है उसकी, उसमें ब्राउन स्पॉट्स डेवलप होते हैं, वो ब्राउन स्पॉट्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाएंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ओवर राइपनिंग। अब इन तीनों कंडीशन में बनाना से डिफरेंट टाइप का अरोमा रिलीज होता है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अंडर राइप बनाना। तो अंडर राइप बनाना में जो ऑर्डर रिलीज होता है, अरोमा होता है, दिस इज ड्यू टू हेक्सानोल। और राइप जब बनाना थोड़ा पकने लगे उस टाइम पे जो एरोमा रिलीज होता है दिस इज ड्यू टू यूजिनोल, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्स में एरोमा से भी क्वेश्चन आते हैं कि अंडर राइप बनाना में जो एरोमा रिलीज होता है किससे होता है, दैट इज हेक्सानोल, और राइपन बनाना में जो होता है वो होता है यूजिनोल से। नाउ वी डिस्कस ओवर राइप बनाना। तो जब बनाना एक्सेसिव राइपनिंग हो जाएगी, ओवर राइप हो जाएगा, तो जो एरोमा रिलीज होता है वो होता है आइसोपेंटेनॉल। तो ये हेक्सानोल, यूजिनोल, आइसोपेंटेनॉल, यू हैव टू लर्न ऑल दीज थ्री कंपाउंड्स, दीज आर ऑल केमिकल कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एरोमा इन बनाना। नेक्स्ट वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू बनाना। द फर्स्ट वन इज इट्स रिलेटेड टू इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो बनाना होता है उसमें बहुत सारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो हाउ मच कैलोरीफिक वैल्यू इट हैज़, इट हैज़ 67 to 137 per 100 ग्राम। तो इतनी कैलोरीफिक वैल्यू हमें बनाना से ऑप्टेन होती है। नेक्स्ट इज कुकिंग पर्पज ऑफ बनाना इज कॉल्ड प्लांटिंग। ये हमने शुरू में ही डिस्कस करा था, जो प्लांटिन होता है वो क्या होता है, जो कुकिंग टाइप की वराइटीज़ होती हैं बनाना की, दे आर कॉल्ड प्लांटिन, और साइंटिफिक नेम था इसका म्यूसा एक्यूमिनाटा। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज कुक्ड एज वेजिटेबल। जनरली अभी हमने इन्फ्लोरेसेंस की बात करी थी, जिसको हम स्पैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इसका जो इन्फ्लोरेसेंस का एंड वाला पोर्शन होता है उसको कट करके उसको कुक करते हैं एज अ वेजिटेबल। नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो बनाना के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बनाना की चिप्स अवेलेबल हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्लावर जैम्स, दीज ऑल आर द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ बनाना विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। एंड द लास्ट वन इज इन साउथ इंडिया द लीव्स ऑफ बनाना इज यूज एज अ प्लेट फॉर सर्विंग मील्स। तो बनाना की जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको हम जनरली साउथ इंडिया में उनको जनरली खाना परोसते वक्त उसको यूज़ करते हैं, मीन्स दे आर बायोलॉजिकल प्लेट्स। नेक्स्ट वी डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ
बनाना कल्टीवेशन। तो बनाना का जो कल्टीवेशन का क्लाइमेट है, सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करें तो क्लाइमेट देखते हैं। तो क्लाइमेट इसका कैसा होता है, ट्रॉपिकल, जस्ट लाइक मैंगो। मैंगो इज़ ऑल्सो अ ट्रॉपिकल क्रॉप एंड बनाना इज़ ऑल्सो अ ट्रॉपिकल क्रॉप। फर्स्ट हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल क्रॉप है इंडिया की वो है बनाना, एंड सेकेंड वन आई मीन फर्स्ट वन जो फर्स्ट पहली इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है मैंगो, और जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है बनाना। अब बनाना जो है, बनाना कम्स अ वेल टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर अबव सी लेवल इन द ट्रॉपिक्स। तो उसको हम समुद्र तल से 1500 मीटर अबव सी लेवल में इसका कल्टीवेशन जो है हम बनाना का कर सकते हैं। बनाना कल्टीवेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो होता है 100 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो एवरेज होता है यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द टेम्परेचर इज़ बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तब क्या होगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर 10 टू 40 होता है, इतने बीच में इसका कल्टीवेशन पॉसिबल है, बट अगर टेम्परेचर 10 से कम हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, इट लीड्स टू चोक ऑफ इम्पेडेड इन्फ्लोरेसेंस एंड बंच डेवलपमेंट। जो इन्फ्लोरेसेंस होगी वो चोक हो जाएगा और बंच डेवलपमेंट जो होगा वो ज़्यादा होने लगेगा। तो दैट इज़ वाई जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 10 टू 40 या फिर जो ऑप्टिमम होता है 20-30 के बीच में टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट वी डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल, विच टाइप ऑफ सॉइल रिक्वायर बाय बनाना। तो बनाना कल्टीवेशन में जो सॉइल होती है वो जनरली लोमी सॉइल होती है, वेल ड्रेन क्ले सॉइल एंड डीप सॉइल होनी चाहिए। जनरली 1 मीटर जो सॉइल होनी चाहिए वो डीप होनी चाहिए, यानी हम सॉइल की अगर हम प्लोइंग करें तो इतनी 1 मीटर डेप तक हमें अच्छे से प्लोइंग करनी होगी सॉइल की। सैलिन सॉइल्स विद सैलिनिटी परसेंटेज एक्सीडिंग 0.05 आर अनसुटेबल। तो अगर सैलिन सॉइल होगी, एक्सेसिव सैलिनिटी होती है यानी 0.05% से एक्सीड अगर हो जाएगी सैलिनिटी तो उस सॉइल को हम यूज़ नहीं करेंगे। बट बनाना का जो कल्टीवेशन होता है वो हम स्लाइटली एल्कलीन सॉइल में कर सकते हैं। बनाना कैन ग्रो वेल इवन अंडर स्लाइटली एल्कलीन सॉइल। क्यों कर सकते हैं, सच सॉइल्स आर फाउंड प्रेफरेबल फॉर अवॉइडिंग द विल्ट डिसीज। रीज़न इसका है विल्ट डिसीज़ को रिड्यूस करने का, अवॉइड करने का। बनाना में एक विल्ट डिसीज़ होती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम स्लाइटली एल्कलीन सॉइल प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि विल्ट डिसीज़ जो होती है ये बहुत ज़्यादा सीवियर होती है एसिडिक सॉइल्स में। तो अगर हम बनाना का कल्टीवेशन एसिडिक सॉइल्स में करेंगे तो उसमें विल्ट डिसीज़ का जो चांस है वो ज़्यादा होगा। तो विल्ट डिसीज़ की सीवियरिटी को रिड्यूस करने के लिए हम सॉइल को थोड़ा सा एल्कलीन बना सकते हैं। तो अगर स्लाइटली एल्कलीन सॉइल हमको मिल जाती है तो उसमें भी ये बनाना कल्टीवेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट वी डिस्कस इट्स वेराइटी। तो बनाना कल्टीवेशन जो हम करते हैं उसमें वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये पोर्शन जो होता है एग्जाम्स में भी वैराइटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वैराइटीज़ को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा है, टेबल वैराइटीज़, क्यूलिनरी वैराइटीज़ जो जनरली कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, एंड हिल बनाना। टेबल वैराइटीज़ में आती है पोवन, ड्वार्फ कैवेंडिश, रोबस्टा, ग्रैंड नाइन। ग्रैंड नाइन बहुत इंपॉर्टेंट वैराइटी है, यू मार्क इट इंपॉर्टेंट। इसमें जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ जाते हैं ग्रैंड नाइन वैरायटी से, बिकॉज ये वैरायटी जो होती है टिश्यू कल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर से भी हम बनाना को प्रोपगेट कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोपगेशन मेथड, तो उसमें देखेंगे माइक्रो प्रोपगेशन मेथड यूज़ होता है, और जनरली जो ग्रैंड नाइन वैरायटी है वो टिश्यू कल्चर से प्रोपगेट हुई भी है। इसके अलावा नेक्स्ट है रसथाली, ग्रॉस माइकल, वीरूपक्षी, मॉन्थन, दीज ऑल आर टेबल पर्पज वैराइटी। इसके बाद जो क्लीनरी वैराइटीज़ होती हैं जो कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, यानी जो प्लांटेन जिसको हम बोलते हैं, उसमें आते हैं एग्जाम्पल्स मॉन्थन। मॉन्थन जो है टेबल पर्पज़ भी है, क्लीनरी भी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है नैंड्रिन। नैंड्रिन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यू मार्क इम्पॉर्टेंट हेयर। नैंड्रिन वैराइटी जो है वो कुकिंग टाइप की बनाना की वैराइटी है। इसके अलावा है यनगू बोन्था एंड बोधिबा बुद्धिधा बोन्था। तो ये जो बोन्था वाली वैराइटीज़ हैं दे आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट मॉन्थन और नैंड्रिन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुलिनरी वैराइटीज़ हैं। नेक्स्ट इज हिल बनाना। हिल बनाना में आती है वीरूपक्षी। वीरूपक्षी के दूसरा नाम क्या है, सिरुमलाई एंड माजा बजाए। तो इसमें वीरूपक्षी के दूसरे नाम जो हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सिरुमलाई बहुत ही फेमस नाम है वीरूपक्षी बनाना का। इसके अलावा अदर वैराइटीज़ में आती हैं हरीचल। हरीचल को बॉम्बे ग्रीन भी बोलते हैं। इफ़ यू लर्न अबाउट द मैंगो क्रॉप, सो यू लर्न दैट कि मैंगो में हमने एक वैरायटी याद करी थी बॉम्बे ग्रीन। तो
तो ये जो बॉम्बे ग्रीन वेराइटी है, मैंगो में भी हमने पढ़ी थी और यहाँ बनाना में भी हम पढ़ रहे हैं, बट इसका जो वैसे दो नाम है, हरीचल एंड बॉम्बे ग्रीन, ठीक है। तो हरीचल और बॉम्बे ग्रीन एक ही नाम है, इसको इसी का सिमिलर नाम है और ये बनाना की वेराइटी है। इसके अलावा एक आती है रेड बनाना, जो रेड कलर की होती है। लेडी फिंगर, लेडी फिंगर जिसको हम कॉमनली हिंदी में बोलते हैं भिंडी, बट ये कोई क्रॉप नहीं है, ये जो लेडी फिंगर है ये वेराइटी का ही नाम है और ये डिप्लॉयड वेराइटी है एंड दिस हैव अ रेजिस्टेंस टू बंची टॉप डिसीज़। तो बंची टॉप जो है बनाना में प्रॉब्लम होती है, डिसीज़ होती है, उसके लिए रेजिस्टेंट होता है और ये डिप्लॉयड नेचर की वेराइटी है। इसके अलावा है कुन्नन, कुन्नन जो है बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट वेराइटी है। और उसके बाद आती है नेप ओवन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी, नेप ओवन इट इज़ वेरी फेमस वेराइटी ऑफ साउथ इंडियन कंडीशंस। तो दीज ऑल आर द वेराइटीज़ ऑफ बनाना। नाउ वी डिस्कस द मॉर्फोलॉजी ऑफ बनाना क्रॉप। तो बनाना में जो इम्पॉर्टेंट, आप अभी यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, इसका फिगर देख सकते हैं, बनाना में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप फोकस कर सकते हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस पे। तो उसकी इन्फ्लोरेसेंस को स्पैटिक्स बोलते हैं। तो उसकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, हेयर यू विल यू सी हेयर इन्फ्लोरेसेंस, इसमें एक मेल बर्ड होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जनरली हम बनाना में ये करते हैं, एक प्रोसेस होता है डीनेवलिंग। डीनेवलिंग में क्या करते हैं, हम मेल बर्ड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, दैट इज़ डीनेवलिंग प्रोसेस, अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कॉम्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम से राइजोम डेवलप होता है, सकर्स डेवलप होते हैं, और जनरली यहाँ पे स्यूडो स्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्यूडो स्टेम जो होता है, इसको स्यूडो स्टेम बोलते हैं क्योंकि ये अंदर से जो स्टेम होते हैं हॉलो होते हैं, ये जैसे बाकी प्लांट के स्टेम होते हैं ना, थिक होते हैं, एकदम सॉलिड होते हैं, लेकिन जो बनाना का स्टेम होता है वो अंदर से हॉलो होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सीडो स्टैम। और यहाँ पे क्या होता है, जनरली राइजोम इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्टैम, तो राइजोम से ही स्टैम जो है मॉडिफाई होके बनता है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीडो स्टैम। तो ये रीज़न थे इसको सीडो स्टैम बोलने के। और यहाँ पे जो सकर्स बनते हैं बनाना में, वो दो टाइप के सकर्स होते हैं, ठीक है, एक होता है स्वार्ट सकर, एक होता है वाटर सकर। तो स्वार्ट सकर्स जो होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं जनरली वो बहुत ज़्यादा नैरो होती हैं, जैसे स्वार्ड होता है ना, स्वार्ड क्या होती है, तलवार, ठीक है। तो स्वार्ट सकर्स जो होते हैं वो एकदम, उनकी लीव्स एकदम उसी शेप की होती हैं, स्वार्ट सकर्स, ठीक है। और जो वाटर सकर्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं। उसके अलावा पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेवलपिंग सकर्स होते हैं दे आर कॉल्ड पेपर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर डिस्कस करना। इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रोपगेशन, तो बनाना को प्रोपगेट कैसे करते हैं। तो दो चीज़ होती है बनाना को प्रोपगेट करने की, तो होता है स्वार्ट सकर और एक होता है राइजोम। स्वार्ट सकर अभी हमने डिस्कस करा था, राइजोम डिस्कस कर रखा था पीछे कैसे दिखता है। तो जनरली प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उसमें से स्वार्ट सकर राइजोम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्वार्ट सकर्स में क्या होता है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लार्ज बेस ग्रेजुअली टेपरिंग टू सिलेंडर पॉइंट विद वन और टू नैरो स्वार्ड लाइक लीव्स एट द टिप। तो जनरली इसका लीव्स कैसे होते हैं, स्वार्ड्स की शेप की होती है, नैरो होती हैं। द स्वार्ट सकर इज मोस्ट विग्रस, ग्रो फास्ट एंड कम्स टू बीरिंग अर्ली। तो जनरली हमें दो तरह के सकर्स पड़े थे, स्वार्ट सकर्स और वाटर सकर्स। स्वार्ट सकर्स को जनरली हम प्रोपगेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा विग्रस होते हैं, ठीक है। इसके यही रीज़न है कि विग्रस है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और बीयरिंग भी इसमें अर्ली होती है, अर्ली बीयरिंग होती है, यानी जो बनाना के फ्रूट्स होते हैं वो इसमें जल्दी आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर सकर। वाटर सकर से अगर हम प्रोपगेशन करना चाहें तो उसमें बीयरिंग बहुत ज़्यादा लेट में होगी क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो स्लो ग्रोथ होने की वजह से हम वाटर सकर्स को अवॉइड करते हैं और स्वार्ट सकर्स को जनरली हम प्रोपगेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो राइजोम होता है उसमें क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्ट अ नंबर ऑफ इट्स सकर्स आर इंकरेज टू ग्रो अप टू 1 फीट। जब बनाना की क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या होते हैं, नीचे से कुछ सकर्स ग्रो होते हैं जिसको हम 1-2 फीट तक ग्रो होने देते हैं। दे आर देन डग आउट एंड देयर स्यूडो स्टेम्स आर कम्प्लीटली कट अबव द सॉलिड राइजोम एंड रूट्स आर रिमूव। द राइजोम वेटेड 450 to 900 grains आर स्टोर्ड फॉर 2 months इन अ ड्राई प्लेस अंडर शेड। तो जनरली हम उसको जब हार्वेस्ट कर देते हैं, उनको बनाना को हार्वेस्ट करने के बाद पूरा रूट्स भी रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो राइजोम्स होते हैं जिनका वेट 450 to 900 grams का होता है, उन वाले राइजोम्स को हम क्या करेंगे, शेड कंडीशन में स्टोर करने के लिए छोड़ देते हैं। समटाइम्स द राइजोम्स आर कट इन बेड्स ऑफ 1 kilogram
एंड आर यूज फॉर प्लांटिंग। और उन राइजोम्स को जनरली हम 1 किलोग्राम की छोटे छोटे साइज में, जिसको हम बोलते हैं बेड्स, उसमें कट करके उसको हम उन राइजोम्स को हम प्लांटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम स्वार्ट सक्कर जो राइजोम्स को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन में यूज़ करते हैं, बट मोस्ट जो कॉमनली यूज होता है वो होता है स्वार्ट सकर्स। नेक्स्ट वी सी हाउ वी सिलेक्ट द सकर्स। तो सकर्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो हम सकर्स को जब सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ओनली 3 to 4 month ओल्ड सकर्स फ्रॉम द हेल्दी विग्रस ग्रोइंग एंड गुड ईल्डिंग प्लांट। तो एक अच्छे प्लांट से हमको 3 से 4 महीने ओल्ड जो सकर्स होते हैं उनको हमें सिलेक्ट करना होगा। स्वार्ट सकर्स हैव 4 to 5 inch डायमीटर एट द बेस। तो और वो स्वार्ट सकर्स जो हम सिलेक्ट करते हैं उनका डायमीटर जो होना चाहिए इतना होना चाहिए, 4 to 5 inch का होना चाहिए। उसके बाद उनका वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 kg उनका वेट होना चाहिए। जो क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में कि जनरली जो हम बनाना में स्वार्ट सकर्स का यूज़ करते हैं उनका वेट कितना होता है, इट इज़ 2 to 3 kg। इसके बाद हम सकर्स का प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सकर्स। इसमें हम क्या करते हैं, द सेलेक्टेड सकर्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इट मदर प्लांट अलॉन्ग विद द पोर्शन ऑफ द राइजोम। तो जो स्वार्ट सकर्स होते हैं उनको सबसे पहले तो मदर प्लांट से सेपरेट कर लिया जाता है। उसके बाद द स्टैम ऑफ द सकर्स शुड बी हेडेड। हेडेड का मतलब होता है कट कर देना। तो सकर्स जो उसको हम 20 to 30 cm हाइट तक उसको कट कर देंगे। और कट जो होगा वो स्लांटिंग कट होगा, स्लांट कट लगाते हैं। स्लांट कट क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और स्लांट कट की वजह से क्या होता है कि वाटर स्टैग्नेशन नहीं होता जनरली। अगर जब भी हाई रेनफॉल होती है तो अगर सकर्स के ऊपर वाटर आके ठहर जाएगा तो डिसीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए स्लांट कट लगाते हैं ताकि वाटर जो होगा स्लांटिंग कट की वजह से ईजिली ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, द ओल्ड रूट्स शुड बी रिमूव्ड एंड देन डिप्ड इन। उसके बाद जो रूट्स होंगे उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद सकर्स को हम डिप करेंगे 0.1% सरिसोन में एंड एट द रेट 1 gram per liter ऑफ वाटर फॉर 5 minutes बिफोर प्लांटिंग। तो प्लांटिंग से पहले हमें सकर्स को ट्रीट करना होगा ताकि उसमें कोई भी इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन के चांसेस या डिसीज चांसेस है वो उनकी सीवियरिटी रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट वी डिस्कस द माइक्रो प्रोपगेशन। तो हमने डिस्कस करा था माइक्रो प्रोपगेशन, जिसको हम टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, बनाना को प्रोपगेट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया राइजोम और सकर्स वाला मेथड। इसके बाद माइक्रो प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं, जो बनाना का शूट का टिप पोर्शन होता है, द शूट टिप इज यूज फॉर बनाना प्रोपगेशन, उस टिप का हम कल्चर करते हैं इन विट्रो कंडीशंस में। यानी इन विट्रो कंडीशंस यानी लैब कंडीशंस, जो कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं वहाँ पे हम शूट टिप को कल्चर करते हैं, उससे पूरा का पूरा एक नया प्लांट जो है बनाना का डेवलप करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी वैरायटी का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है टिश्यू कल्चर में, दैट इज़ ग्रैंड 9 वैरायटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सी वैरायटी जो है टिश्यू कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, दैट इज़ ग्रैंड 9। अब माइक्रो प्रोपगेशन का एक एडवांटेज क्या है, इससे जनरली हम डिसीज़ फ्री प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो प्लांट्स होंगे वो उनमें यूनिफॉर्मिटी होगी, यूनिफॉर्मिटी लाइक उनकी ईल्ड होगी, उनका क्रॉप स्टैंड जो होगा एक साथ हार्वेस्टिंग होगी, उनकी मेच्योरिटी जो होगी सब कुछ यूनिफॉर्म उनका होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि वो डिसीज़ फ्री होंगे। तो शूट टिप जो होता है मैंने वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि डिसीज़ फ्री होते हैं, वायरस फ्री होते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन का एक फ़ायदा ये है कि वो डिसीज़ फ्री होंगे, बट डिसएडवांटेज ये है कि ये मेथड बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है, लैब कंडीशन में हो रहा है, तो लॉट ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क, दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ समवट कॉस्टली। नाउ वी डिस्कस द लैंड प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जब हम बनाना का कल्टिवेशन करते हैं तो लैंड प्रिपेयर हम जब करते हैं तो लैंड में सबसे ज़्यादा पहले हम क्या करेंगे, उसकी अच्छे से डीप प्लोइंग और हैरोइंग कर देंगे, उसको अच्छे से लेवल कर देंगे। लेवल करने के बाद उसमें हम पिट्स बनाते हैं 45 by 45 cm की, यानी लेंथ विड्थ हाइट उसकी सब कितना हो जाए 45 cm, यानी स्क्वायर शेप का एक पिट गड्ढा जैसा बना देंगे। और उसकी एक पिट से दूसरे पिट की जो स्पेसिंग होगी वो हम वैरायटी के हिसाब से करेंगे, जो यानी अगर हमारी वैरायटी टॉल है ड्वार्फ है उसके हिसाब से हम उसकी स्पेसिंग डिसाइड करते हैं। द पिट शुड बी एक्सपोज टू वेदरिंग फॉर अबाउट अ वीक टू कंट्रोल द प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रब एंड विबल्स। तो हम क्या करेंगे, पिट को पहले तो ऐसा उसको छोड़ देंगे ताकि प्रॉपर सन रेज उसमें आए, सनलाइट की वजह से जो भी उसमें इंसेक्ट पेस्ट हैं वो सब
कंट्रोल हो जाए, वो सब मर जाए, ठीक है, सनलाइट की वजह से। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें सॉइल लेंगे, पिट को फिल करेंगे। पिट फिलिंग के लिए हम क्या करते हैं, FYM लेंगे, फुली डिकम्पोज FYM 5 to 10 kg, ठीक है, FYM लेंगे। 0.5 नीम केक लेते हैं, 2 kg वुड ऐश या फिर वुड ऐश लेंगे, और 50 ग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटैश लेंगे, और 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट लेंगे। ये सब चीज़ों को हम अच्छे से सॉइल के साथ मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद उस पिट में हम फिल कर देंगे। वाइल फिलिंग द पिट, मेन्योर सॉइल अप्लाइड टू द पिट 50 ग्राम्स ऑफ लिंडेन डस्ट। जब हम पिट में ये सब चीज़ें फिल करेंगे, FYM, म्यूरेट ऑफ पोटैश, सुपर फॉस्फेट, उसके साथ साथ हम 50 ग्राम लिंडेन डस्ट को भी उसमें उस पिट में डाल देंगे। अब ये लिंडेन हम क्यों डालें, लिंडेन डस्ट का क्या काम है, इट कंट्रोल वीविल्स, तो ये वीविल्स को कंट्रोल करती है, विच अफेक्ट द राइजोम और सकर्स इन द सॉइल। अब ये वीविल्स जो होती है सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, और जैसे जैसे हमारा बनाना क्रॉप सॉइल में स्टैब्लिश होगा, उसमें राइजोम्स डेवलप होंगे, सकर्स डेवलप होते हैं, और ये सब राइजोम सकर्स जो है सॉइल के थ्रू ही डेवलप होते हैं, सॉइल से डेवलप होने शुरू होते हैं। तो विविल्स क्या करेगी, इन राइजोम और सकर्स पर अटैक करती है। तो इसीलिए विविल्स के अटैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस पिट में लिंडेन डस्ट को अप्लाई कर देते हैं। स्वार्ट सकर्स आर प्लांटेड इन अ स्ट्रेट इन पिट अलॉन्ग विद अ पोर्शन ऑफ राइजोम विद अ डेप्थ ऑफ 10 to 15 cm। तो फिगर में देख सकते हैं ये जो है हमारा सकर्स है, सकर्स में कुछ पोर्शन जो होगा राइजोम्स का भी होता है, और उसको जनरली हम जब स्वइंग करेंगे तो कितना गहरा हमें डालना होगा, 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक हमको उस पिट में स्वार्ट सकर्स को प्लेस करना होगा। इस तरह से हम स्वार्ट सकर्स को प्लांट करते हैं। तो प्लांटिंग टाइम डिस्कस करते हैं, तो हमने स्वार्ट सकर्स हम यूज़ करेंगे प्लांटिंग में, और प्लांटिंग जो ओनली जो हम करते हैं मानसून में करते हैं, यानी जून जुलाई जो टाइम होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग बनाना। और जो हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ होते हैं लाइक मालाबार रीजन्स, तो उन एरियाज़ में क्या होता है कि उनमें जो प्लांटिंग टाइम होता है वो थोड़ा डिले कर सकते हैं, सितंबर टू अक्टूबर। नॉर्मल मानसून में करते हैं, लेकिन हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ में सितंबर टू अक्टूबर होता है, प्लांटिंग तो इस टाइम पे करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्लांटिंग मेथड हम यूज़ करेंगे, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है बनाना में फॉलो होते हैं। उसके बाद कुछ दूसरे टाइप्स की प्लांटिंग होती है लाइक बोरो प्लांटिंग जो होती है वो गुजरात महाराष्ट्र में होती है। पिट प्लांटिंग होती है, ये होती है गार्डन लैंड सिस्टम में। ट्रांच प्लांटिंग जो होती है वो होती है तमिलनाडु में। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्लांटिंग टाइप्स। इसके अलावा इनमें भी जो मेथड फॉलो होता है वो स्क्वायर रेक्टेंगल का ही फॉलो होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेसिंग। तो स्पेसिंग जो होती है वो डिपेंड करती है हम कौन सी वैरायटी कल्टीवेट कर रहे हैं, टॉल, ड्वार्फ, मीडियम साइज, इस टाइप की जो कल्टीवार्स होते हैं उनमें स्पेसिंग डिपेंड करती है। तो फर्स्ट है हमारा वैरायटी है हमारी पोवन, मोन्थन, रस्थाली, नैंड्रिन। तो इन वैरायटीज़ में जो स्पेसिंग होती है वो होती है 2.1 into 2.1, तो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, यानी सेम स्पेसिंग है या स्क्वायर सिस्टम फॉर्म होगा। और इस स्पेसिंग के थ्रू जो हमें प्लांट्स ऑप्टेन होंगे पर हेक्टेयर वो होते हैं 2150, ठीक है, इतने प्लांट्स हमको पर हेक्टेयर में ही मिल जाएंगे। ड्वार्फ कैवेंडिश वैराइटीज़ जो होती हैं वो जनरली नाम है ड्वार्फ, तो ड्वार्फ कैवेंडिश वैराइटीज़ जो होती हैं ड्वार्फ होती हैं, दैट इज़ वाई उनका जो स्पेसिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है 1.8 by 1.8, ठीक है। तो ड्वार्फ वैराइटीज़ की स्पेसिंग कम हो जाती है, और कम स्पेसिंग की वजह से क्या होगी, तो यहाँ पे प्लांट्स हम ज़्यादा लगा सकते हैं, तो ज़्यादा प्लांट्स हमको ऑप्टेन होंगे, 3000 प्लांट्स पर हेक्टेयर वी हैव ऑप्टेन। इसके बाद रोबस्टा वैराइटी भी जो होती है वो ड्वार्फ होती है, उसमें भी सेम स्पेसिंग रहेगी और सेम नंबर ऑफ प्लांट्स हमको ऑप्टेन होते हैं। नेक्स्ट है नैंड्रिन वैराइटी। नैंड्रिन वैराइटीज़ हमने पढ़ा था जो कि कुकिंग टाइप के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यानी प्लांटिन वाली वैराइटी है, तो इसकी जो स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये थोड़ा टॉल टाइप का वैराइटी है, इसमें 2x2 या फिर 2.4 into 3 meter की स्पेसिंग इसमें रहती है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्लांट्स हम होते हैं वो हमको ऑप्टेन होते हैं। हिल बनानाज अगेन आर वेरी टॉल टाइप ऑफ वैराइटीज़, इसमें स्पेसिंग और ज़्यादा होती है 4.8x3 या फिर 4.8x4.8, इस तरह की स्पेसिंग हम जो होते हैं हिल बनानाज में रखते हैं, और वी हैव ऑप्टेन 670 to 420 प्लांट्स पर हेक्टेयर अकॉर्डिंगली।
नेक्स्ट इज़ द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. तो प्लांट्स, तो बेसिकली जो बनाना क्रॉप है उसमें न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि बनाना एक ऐसी क्रॉप है जिसका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स में बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इट रिक्वायर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन क्वांटिटी, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो. ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इसको अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है. नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ NPK. तो हम इसमें जो NPK अप्लाई करते हैं उसमें से नाइट्रोजन होता है, इट इज़ अप्लाइड 150 to 200 grams पर हेक्टेयर पर प्लांट, और फॉस्फोरस होता है 40 to 60, और पोटेशियम होता है 200 to 300 grams पर प्लांट पर ईयर. तो ये जो NPK का अमाउंट था वो इस तरह होता है. और जनरली जो इसमें जो हम देख सकते हैं जो पोटेशियम का अमाउंट है वो ज़्यादा है, 200 to 300 grams. ठीक है, ये ज़्यादा क्यों है? बिकॉज जो पोटेशियम होता है ये फ्रूट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. तो बनाना में अगर हमें क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स चाहिए तो वी हैव टू अप्लाई 200 to 300 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर प्लांट पर ईयर. इसके अलावा जैसे हमने बात करता बनाना की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा चाहिए होते हैं. तो इसके अलावा जो हमारे कैल्शियम होता है उसको के लिए हम लाइम अप्लाई करते हैं 50 ग्राम पर प्लांट, मैग्नीशियम सल्फेट भी अप्लाई करते हैं 25 ग्राम पर प्लांट, और इसके बाद फॉलोड बाय इरिगेशन. तो हम ये सब भी लाइम और मैग्नीशियम सल्फेट भी अप्लाई करते हैं इन बनाना कल्टीवेशन. नेक्स्ट इज़ इरिगेशन. तो इरिगेशन की बात करें तो बनाना का जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, दैट इज़ 1800 to 2200 मिलीमीटर, दिस मच इज़ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ बनाना. और बनाना में जो हम इरिगेशन करते हैं अगर हॉट वेदर होता है तो 3 to 4 days इंटरवल में हम करते हैं, यानी जल्दी जल्दी इरिगेशन करते हैं. और ड्यूरिंग कोल्ड सीज़न और कोल्ड वेदर तो इरिगेशन इंटेंसिटी जो होती है थोड़ी कम हो जाती है, कम इरिगेशन करते हैं, यानी 7 to 8 days के इंटरवल में हम करते हैं, यानी ज़्यादा दिन के गैप में इरिगेशन करते हैं. तो इट इज़ वेरी कॉमन थिंग. और बनाना में जो इरिगेशन हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं दैट इज़ ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन. ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन से क्या होता है कि 10 to 25 liters वाटर जो होता है प्लांट पर प्लांट को रिक्वायर होता है, जो कि ये रिक्वायरमेंट ड्रिप इरिगेशन से फुलफिल हो जाती है. तो ड्रिप इरिगेशन से लॉट ऑफ वाटर जो होता है वो सेव हो जाता है. नेक्स्ट आर द कल्चरल ऑपरेशंस इन बनाना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बनाना में कल्चरल ऑपरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो बनाना में जो कल्चरल ऑपरेशन हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज डीसकरिंग, जिसमें हम सकर्स को रिमूव करते हैं, दैन ट्रैशिंग, मैटोकिंग, रैपिंग ऑफ बंचेस, डीनेवलिंग, क्रॉपिंग, अर्थिंग अप. दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन ऑफ बनाना. नाउ वी डिस्कस दीज ऑल ऑपरेशन वन बाई वन.